गुड मॉर्निंग फोक्स व्हाट्सअप कैसे हो मॉर्निंग मॉर्निंग हो रखी है आज यू कैन सी फ्रॉम द ब्लॉगिंग आई इट्स सन ज़्यादा तेज नहीं है तो यानी मैंने मॉर्निंग में ही स्टार्ट करी है और इसका भी एक रीज़न है पता क्या आज क्या हुआ है कि आई वॉज इन अ मीटिंग एंड सडनली एवरीथिंग वेंट ऑफ लाइक माई लैपटॉप स्टॉप चार्जिंग पर उसमें इतना इनफ चार्ज था कल से कि भाई वो सस्टेन कर ले इंटरनेट ना कनेक्ट हो गई यार इंटरनेट क्यों नहीं कनेक्ट आ रहा है मैं भाग के वहाँ पे गई जहाँ पर मॉडर्न रखा है एंड आई फाउंड आउट कि उसकी लाइट नहीं ऑन है फिर यू नो लाइक बंदा फ्रस्ट्रेट होता है क्या हो रहा है फिर मैंने फ़ोन पे अपनी मीटिंग कंटिन्यू करी तो ऑब्वियसली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दिस शिट हैपन्स <laughs> तो फ़ोन पर मीटिंग करी मैंने अपनी और कंप्लीट करी फिर मुझे याद आया आज तो सत्रह तारीख है सत्रह फरवरी आज तो हमारी लाइट कट ऑफ होनी थी पूरे एरिया की सम रिपेयर वर्क नीड्स टू बी डन और इसका नोटिफिकेशन वन मंथ पहले आया था लेटर में घर पे कि आपको प्लीज़ प्रिपेयर इट नाइन ए एम टू फाइव पी एम द लाइट्स विल बी आउट गॉर अब अबाउट इट शाइट्स होता है ना ऐसा पागलपन कभी <laughs> तो बस अब क्या करना है अब ब्रेकफास्ट भी नहीं करा अभी मैंने कोई नहीं जाते हुए कुछ ख़रीद लेंगे और और क्या hmm. कंपनी जाते हैं हाफ डे वहाँ लगाते हैं और हाफ डे मम्मी के घर पे लगाते हैं कि मम्मी के घर पे लाइट आ रही होगी क्योंकि सिर्फ इसी एरिया की गई है, है ने बट अ ब्रिलियंट आइडिया सर जी सोटेड प्रॉब्लम होता है सोल्यूशन निकालना चाहिए यू नो प्रॉब्लम को लेकर रोते नहीं रहना चाहिए तभी तो लाइफ है मस्त <laughs> तो बस अब भागते हैं कंपनी और फिर वहाँ से अपना ज्वाइनिंग करते हैं मैंने अपने एक कॉलेज को मैसेज तो बोल दिया कि मैंने कहा तुम टीम्स में मैसेज डाल दो जो हमारा टोटल जो हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम का चैनल है उसमें मैसेज डाल दो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है इसलिए आई एम अपीयरिंग ऑफलाइन लाइन हाउ एवर आई एम ऑन द वे टू द कंपनी तो शी इज लाइक या श्योर आई विल डू देट हम लाइक वाला सो दैट तो जब से लाइट गई है अपने अलार्म में भी ट्रबल आ गया वो होता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है करंट बट बैटरी बैकअप है तो फिर भाई जिसको कहते हैं आम करके फॉर द होम तो बच्ची और रखी है सन ग्लासेस ऑन सब चलते हैं भागते हैं सवा हो रही है पहुंच ही जाएंगे मीटिंग तो अटेंड कर ली जो करनी थी बस दैट सेट धूप <laughs> है तो इसलिए सनीस ऑन लगने ही लगने यहाँ पर आप विदाउट सनीस ड्राइव नहीं कर पाते तो बहुत दिक्कत होती है काम पे बैठे हुए हैं खाना खाने का टाइम हो रहा है इधर काम हो रहा है उधर ऊपर कंप्यूटर ऑन है और ये खाना मेरी कॉलिग ने मुझे दिया है उसके पास काफ़ी सारा था और ये वेजिटेरियन नॉकी है बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है इसके बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन है सवा तीन बज गए काम करते करते पता ही नहीं चला आज इतने बिजी थे इतने बिजी थे यू नो लाइक फुर्सत ही नहीं थी बिल्कुल भी तो थैंक्स टू माई कॉलिग ऑफकोर्स जो लंच उसने दिया मुझे otherwise... माइंड तो you know, एकदम सही है नहीं कि हर डेस्क पे ही बैठे रहो। पर आज काम थोड़ा निपटाने की you know, एक जिद थी <laughs> तो बस अब सवा तीन हो गए ममा के यहाँ जा रहे हैं क्योंकि अपने यहाँ तो अभी भी लाइट नहीं आ रही तो बाकी का यू नो वर्क फ्रॉम होम करेंगे अब साढ़े चार बजे तक फिर वहां से मामा के गया मैं जाऊंगी अभी भी मैंने चेक करा ऑनलाइन तो हमारी लाइट्स पांच बजे तक तो आउट है तो साढ़े चार मामा के यहां से निकले तो पांच बजे घर पहुंच ही जाएंगे बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक यू नो गिरते पड़ते <laughs> आज हम घर आए हैं घर में ना मम्मी घर में ना पापा ना भाई कोई भी घर के अंदर नहीं है वाह सब लोग तो पता नहीं कहीं गए हुए हैं चलो कोई बात नहीं सबसे पहला काम था मम्मी की पैंट्री चेक करने की क्या है बेटा कुछ प्रकट नहीं हो जाएगा तुम्हारे मतलब का तुम मत देखा करो सेम इसमें भैया वाटर मेलन कटा हुआ चलो वाटर मेलन ही खा लेते हैं यम 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 यू नो यू नो जब हम किसी चीज़ को ए, एक एक चीज कहते हैं ना कि हम देखने के इतने आदि जाते हैं कि ऑटोमेटिकली माइंड बिलीव की इट्स देयर बट इट्स नॉट देयर व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज इीवी एट आर मॉम्स प्लेस एक घंटे से यू you नो know, पिछले एक घंटे से आई एम बीन वर्किंग फ्रॉम होम वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठ के और मैंने अब नोटिस करा कि यहाँ पे टीवी ही नहीं पड़ा बताओ टीवी वी यहाँ से चला गया थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी उसके अंदर एक लाइन आ गई तो ब्रदर लेके चला गया होगा प्रॉबली और ममा ने हमारी ये फ़ोटो रख रखी है यहाँ पे ये यह मेरे यूनी के सेकेंड ईयर की थी हमारे एक फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी थी तो हम तब गए थे तब उस समय थोड़ा एथनिक हम पहनते थे क्योंकि उस समय हमें एथनिक पहनने का मौका नहीं मिलता था तो कभी कभी मिलता था तो वो बर्थडे पार्टीज में ही होता था और ये मेरा ब्रो है एकदम स्वीट क्यूट टू से ब्रो वन ईयर ओल्ड बेचारे का उस दिन मुंडन था और जब और जब वो मुंडन करा के वापस आए थे ना फर्स्ट डे तो हमारे घर पे बहुत बड़ा लाइक शीशा था एकदम सीलिंग टू फ्लोर लेंथ का तो उसमें पापा खड़े मैं खड़ी मेरी सिस्टर खड़ी और ये ब्रदर मेरे एकदम खड़ा सामने वो हम लोग यू को यूं यू देखे और फिर अपने हाथ पे पीछे से सर पे से हाथ लाके गंजा था ना हो गया अब इसका रोना शुरू <laughs> तो का वेट कर रही हूँ वो आए तो मैं निकलूँ ताकि चाबी उनको हम देते हुए जाएं क्योंकि तो अब सब देख लेते हैं कि चाबी कहाँ से उठाइए तो फिर जगह चेंज भी करनी पड़ती है तो अब मैं उस सेम जगह तो रखूंगी नहीं जहा मम्मी को उठाने में दिक्कत आए तो जस्ट वेटिंग फॉर हर टू कम बैक होम ची आ रे डॉक्टर्स विजिट तो उसके बाद अब वेट कर रही हूँ कि जल्दी आओ दून... <laughs> जैसे वीडियो बॉन करी मम्मी कहती है मुझे लगे नगर कर रहे <laughs> <आ> रही हूँ <थी। laughs> तो अपनी मॉमी डियरेस्ट मॉमी इज बैक होम एक ही होती है डी एस डी चलो आज खाने में क्या बना रही हूँ घिया बनाया तो हमने वैसे देख लिया लेकिन हम खाएंगे नहीं देखे तो देखे नहीं, देखे नहीं देखे मैंने कह तो नहीं देखे देखे, उसको दे रही उसने तो पहले ही मना करा सुरेंद्र ने मुझे कहता है अपने हॉस्टल के टाइम में घिया <laughs> हॉस्टल के टाइम में मैंने इतना घिया खाया इतना घिया खाया अब पुरी का नाम मान लिया फिर अच्छा चलो मम वही वही बाय बेटा टेक केयर चलो बाय मम्मी टेक केयर हैव फन एंजॉय जाओ जाओ अंदर चले जाओ कोई बात नहीं लाइट आ रही है इफ यू गाइस कैन सी ऊपर बल्ब चल रहा है सी ऐसे करूं तो दिखता है <laughs> हाँ बड़ा सुकून मिला अभी अभी घर आए मामा के यहाँ से मम्मी यहाँ से निकले पर पौना घंटा हो गया और पौना घंटा पूरा का पूरा ट्रैफिक में लगा है तो एकदम से घर में आई ना तो एकदम गर्म हो रखा है तो आते ही ये डोर्स वगैरह खोल देते हैं ताकि लेट द फ्रेश एयर कम इन कल तक का मौसम तो ठीक है वीकेंड पे इट्स पोरिंग डाउन अगेन बहुत अजीब साइकिल चल रही है क्लाइमेट की इस समय ऐसा होता नहीं है नहीं तो ये जैसे कहते हैं ना वाइट की डे के बाद ये इतना पोरिंग नहीं होता लेकिन आजकल हो रहा है चलो कोई बात नहीं मदर नेचर की अपनी मर्जी है हम तुच्छ प्राणी क्या उसके सामने बेजो जब से आयो घने काउच पोटैटो बने हुए हो क्या हुआ आज बड़ा काम करवाया क्या थोड़ा तेज बोल लो नहीं तो कहे इतने टाइड हुए रहे क्योंकि मैंने अभी खाना खाया है और खाना खाने के बाद टाइड ना साथ में लो लोग सोच में इतने एनर्जेटिक हुए थे क्या खाया आज तुमने खाने में क्या बाया मैंने तुम्हारे मैंने आज कुछ नहीं बाया फिर कैसे खा लिया तुमने खाना आज हमने ऊपर ईट से कितने लेजी है ना आज भी खाना नहीं बनाया <laughs> तो अभी मैं अपनी सिस्टर से ही बात कर रही थी आज न्यूजीलैंड तो में फिफ्टीन हंड्रेड कोरोना केसेज हैं तो मेरी सिस्टर नर्स है यहाँ पे, तो शी वॉज लाइक कि क्या करें हमें तो काम पे जाना ही जाना है ऊपर <laughs> से एंटी वैक्सीन प्रोटेस्टर्स जो हैं बहुत वेलिंगटन में हंगामा मचा के खड़े हुए हैं समझ नहीं आता कि क्यों इतना रोड ब्लॉकेज कर रहे हैं क्यों इतना यू नो लाइक एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट पड़ रहा है उसका तो अब यहाँ पर तो ऐसा है नहीं कि लाठी बरसा दो गैस डाल दो मिलिट्री बुला दो अभी इतनी जल्दी ये सब नहीं लगता है तो होपफुली जसेंडा विल गेट इन टू टॉक्स होप सो बिकॉज पीसफुली सबको सॉर्ट आउट करना चाहिए डेफिनेटली मच्छर वास्तव में मच्छर आया पुन पुन कर रहा था उसको पता कैसे चलता है कि हमारा कान किधर है जो सवाल मैं मैं तो ऑलरेडी कॉल किया मुझे मच्छर भी आ गए हैं पढ़ा लिखे आ गए हैं आज का उनको पता चल जाता है कान किधर है और काटने के लिए प्रॉपर एरिया <laughs> करा धरा कुछ नहीं, लेजी हो गए एकदम टायर्ड हो रखे हैं बहुत टायर्ड ओमिक्रॉन के टाइम पे ना ऐसा लग रहा है जैसे लाइक इतना डेल्टा के टाइम पे भी नहीं लगा डेल्टा के टाइम पे था हां लॉकडाउन लग गया हो गया देखो <laughs> रात को जगराते होते सुबह नींदे नहीं खुलती है फिर शाम को आती है नींदे आ रही होती है चलो टाइम से सोते हैं साढ़े आठ तो हो गए साढ़े आठ हो गए तो मेरा लंच पैक करते हैं कल के लिए फिर जाते कल मुझे कंपनी जाना आना पर मैं हाफ डे जाऊंगी प्रभाष भाई या लेट जाऊंगी थोड़ा सा सुबह सुबह नहीं जाऊंगी हम्म अगर लाइट नहीं जाती तो भी लेट जाती हम्म नया तोड़ने का दिल नहीं कर रहा था पड़े रहो यही कोई गोदी उठा के पलंग पे ले जाए और लड़ा तो, दे देखो तो मेरा कर रहा है उठने का मन चलो उठो हेलो हेलो दम लगा के हाय बम्स पे पुश करूं ये कर कितने मुंह खोल खोल के इतनी जोर जोर से नींद आ रही है और अभी बिस्तर पे जाओगे ना वट इज नींद नींद कहा है मुझे नींद नहीं आ रही है ना तो बस आज काफी सालों के बाद अपने मम्मी के घर में अपनी यू you नो know, पुरानी फोटो देख के ऐसे यादें ताजा हो गई यू नो एकदम कुछ पल के लिए होता है ना कि हाय क्या दिन थे वो भी बट <laughs> ऑब्वियसली विथ टाइम यू हैव टू मूव ऑन एंड क्रिएट वॉट न्यू मेमोरीज सॉरी बहुत पसीना हो रहा है बहुत गर्मी हो रखी है इधर तो अब नींद आ रही है बड़ी जबरदस्त जिसे कहते हैं आज अपना नाइट रूटीन फेस कभी करने का मूड नहीं कर रहा है लाइक यू नो फेस वॉश करने का भी दिल नहीं कर रहा मन कर रहा है हिट कर दो बेड ऐसा कल रात को बहुत मगी इन्वायरमेंट था इतना मगी इन्वायरमेंट था लाइक like, रात के डेढ़ बजे तक हम दोनों को नींद नहीं आई लाइक और क्या है ए भी ऑन कर रखा फैन भी ऑन कर रखा है उसके बाद भी ये सब वेल well, इस वीकेंड हमें डेफिनेटली अपना घर संभालना है बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग टू ब्रिंग आ फर्नीचर फ्रॉम द अदर होम टू हेयर और जिस कंडीशन में अपना घर है फिट तो नहीं आएगा <laughs> तो मिलते हैं आप सबसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक मजा ही मजा करो टेक केयर हैव फन एंजॉय गुड नाइट